उपमंडल घरौंडा के अधिकारी एवं एसडीएम गौरव कुमार ने प्रदेश में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि घरौंडा विधानसभा में 238 बूथ बनाए गए हैं। निष्पक्ष चुनाव करवाने में हम सभी की अहम भूमिका अदा होनी चाहिए। घरौंडा उपमंडल बनने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए घरौंडा उपमंडल कार्यालय में ही चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। एसडीएम ने कहा कि चुनाव को लेकर संविधान के 1951 की धारा 127 को लेकर सभी प्रिंटिंग से जुड़े लोगों को व सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को धारा के बारे में अहम जानकारी होनी चाहिए व कहीं भी इस धारा का उल्लंघन ना हो। पूरे चुनाव के दौरान चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजरें रहेंगी व यदि कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन निष्पक्ष व स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। इस समय वोट बनाने का काम जोरों पर है। जो भी वोट बनवाने का पात्र है वह हम तक ना बनवा पाया है, अपनी वोट अपने बीएलओ या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जैसे कि आपको विदित है, चुनाव नजदीकी है, कभी भी घोषित हो सकते हैं, तो उसी के संदर्भ में आज हल्का गरुंडा में सभी प्रिंट प्रेस व छायाकार बंधुओं को आज एक निमंत्रण दिया था समन्वय के लिए और विशेष तौर पर प्रिंटिंग प्रेस को जानकारी देने के लिए कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसकी धारा 127 से ही कहती है कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस अगर कुछ छपाई करती है, विज्ञापन या पैम्पलेट आदि, तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम और कितने उसमें नंबर ऑफ कॉपीज छपाई करी उसका भी वर्णन होना चाहिए और वो MCMC जो मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी जिला स्तर पर बनेगी उससे भी उसकी परमिशन होनी चाहिए जारी करने से पूर्व, प्रचार करने से पूर्व। उसी के बारे में आप सभी को, छायाकार बंधुओं को भी और प्रिंटिंग प्रेस जो हल्का घरौंडा में स्थित है उनको जानकारी दी, अवगत कराया। किसी भी प्रकार का प्रचार है, चाहे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही एक फॉर्म है, एक उसी का ही प्रकार है, तो उसका भी खर्च का ब्यौरा उसको डिक्लेयर करना चाहिए कैंडिडेट को। यदि नहीं करते तो आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना मानी जाएगी, वह खर्च भी उसका दर्ज किया जाएगा उसके शेडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में जो कि आरओ स्तर पे मनाया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।